हमारे पीछे देख लो भाई, टिम हॉर्टन्स अपना रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ। तो ये पैटियो सेक्शन देख रहे होगे पूरा, ये सॉल्ट और ये पेपर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो भाई सारे कैसे हो भाई, होप करते हैं भाई सारे बढ़िया होगे। भाई धूप आ गई है दिमागों में। तो गाइस कनाडा में आपका स्वागत है। तो भाई हम जो है अभी जा रहे हैं जॉब पे सुबह 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 क्या है 10 बज रहे हैं। 10 बजे मेरे को जो है जल्दी से बस पकड़नी है एक, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं जो है बस स्टॉप पे ही जा रहा हूँ अभी। तो स्कारबरो से थोड़ा और ईस्ट जाना है, क्योंकि गाइस यहाँ पर GTA साइड पे तो जॉब मुझे मिलनी नहीं थी। तो अभी जो मेरे को जॉब मिली है ना, ये बहुत ही अच्छी एज अ सुपरवाइजरी जॉब है। तो इस चीज़ में ना मेरे को ईस्ट साइड जाना है। ईस्ट साइड अपना पड़ेगा मेरे को Whitby, ठीक है। तो वो उस साइड पे मेरी जॉब है। तो कनाडा में ना गाइस ऐसे बस स्टॉप्स होते हैं, ये देख पा रहे होगे आप, ठीक है। ये ओपन ही होते हैं एक साइड से, ठीक है, कांच के होते हैं। और ये जो है भाई टोरंटो में हूँ मैं, स्कारबरो में इस साइड अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे बस स्टॉप्स होते हैं खुले खुले, और यहाँ पर पीछे ना मैप दे रखा था पूरे टोरंटो का। तो भाई ये जो है ना मेरे पास प्रेस्टो का कार्ड है, बस मेरी आ चुकी है येरी, ठीक है। तो जल्दी से बस पकड़ते हैं। तो गाइस मैं जो है ना रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ। तो ये पैटियो सेक्शन देख रहे होगे पूरा, जो मैं आपको तुम्हारा दिखाता रहता हूँ ना ये सब। तो ये देखो ये ना अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला जो है यहाँ पर सेट करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी जो है मैंने इतनी अभी तक तो सेट कर दी है, बाकी ये वाली भी करनी है। फिर इसके बाद जो है फिर पब्लिक आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं ना अभी ओपनिंग कर रहा हूँ। तो क्या होता है मेरी आज शिफ्ट लगी है ओपनिंग की, तो ओपनिंग की लगती है, क्लोजिंग की लगती है। तो वैसे ना अलग अलग दिन सबकी अलग अलग चीज़ें भी लगती रहती है। तो भाई देखो ये कैसे लगती है, मैं दिखाता हूँ। ऐसे जो है ये सब ऐसे ऐसे सारी लगा रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर जो है पब्लिक आनी शुरू हो जाएगी, फिर हमें जो है मेरे को सुपरवाइज करना है, क्योंकि मेरी ओपनिंग और क्लोजिंग की ज़्यादातर शिफ्ट रहती है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी आदत ज़्यादा है। अभी जो है ना गाइस देख रहे हो तुम्हारा भाई भी क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें करता रहता है। भाई ऐसा ही है अपना थोड़ा सा, क्योंकि पता है क्या ये ना ये सब चीज़ें जो है ना ये नॉर्मल बच्चे जो हैं जो सर्वर करते हैं वो नहीं कर सकते। ये मतलब सुपरवाइजरी लेवल ही है कि जो ओपनिंग क्लोजिंग की होती है ना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग काम है। अब गाइस ये सॉल्ट और ये पेपर है ना, ये सब रख रहा हूँ टेबल पे, ठीक है। ये सब जो है पहले से ही रख के प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो है अब दूसरे लोग आते हैं तो वो अपना काम प्रॉपरली कर पाते हैं। तो गाइस अब जो है ना ये सब चीज़ें रख रहा हूँ मैं, ये देख लो, ये ना सॉल्ट और पेपर रखना था सब कुछ, ये देख पा रहे होगे। ये सब उठा के जो है ये सॉल्ट और पेपर का पूरा बॉक्स है, तो हर एक टेबल पर अलग अलग रखना है, क्योंकि जो है ना यहाँ पर जो है अब लोग आएंगे तो उनको जो है सॉल्ट पेपर चाहिए होता है। तो अब जो सर्वर्स वगैरह होते हैं ना उनको भी जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड मिलना चाहिए, कि भाई उनको फिर ये सब चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी। ओपनिंग का सारा टास्क होता है कि अम्ब्रेलाज लगा दी, सॉल्ट एंड पेपर रख दिया, केचप बॉटल रख दी, सब रख दिया। गाइस हम जो है ना फ्री हो चुके हैं, हमारी शिफ्ट हो गई ओवर। ये लो भाई पीछे अपना रेस्टोरेंट, ठीक है। अब बारिश हो रही है भाई, बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ी ना जल्दी शिफ्ट ओवर हो गई। तो ये पीछे आप पानी पड़ा हुआ देख सकते हो। तो ये ना बाहर आउटडोर सीटिंग मैंने पूरी साली अरेंजमेंट करी, और भाई लोग ही नहीं आए यार ज़्यादा, ऐसा हो जाता है बाई चांस, ठीक है। तो इसलिए मेरे को थोड़ी यार जल्दी छुट्टी मिल गई, बाकी पैसा फुल मिल जाएगा उस शिफ्ट का भी, जितने भी घंटे मतलब वो ज़्यादा भीड़ नहीं रखना चाहते ना लोग, मतलब फालतू में खड़े हुए हैं, तो इससे अच्छा घर चले जाओ। तो इस चीज़ की पे मिल जाएगी मेरे को, बस उसने जो घर भेज दिया वो भेज दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साइन आउट करवा लेते हैं कि इस चीज़ की टिप्स नहीं मिलेंगी, बस ये दिक्कत है। मैंने ना फ्राइज पैक करा लिए इधर से ही अपने फ्री के। रेस्टोरेंट में काम करने का ना ये बहुत ही तगड़ा बेनिफिट है कि भाई खाने पीने के लिए ना सब कुछ फ्री मिल जाता है। तो गाइस हमारे पीछे देख लो भाई टिम हॉर्टन्स अपना, ठीक है, और मौसम हो रहा बहुत ही बढ़िया। अभी ने एक कॉफ़ी पी है और एक लिए पोटैटो वेजेस थोड़े से और, क्योंकि भाई मेरा ना फ्राइज़ यहाँ के बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे को, ठीक है। तो फ्राइज़ ले लिए विद अपनी डिप जो है फेवरेट जो है। एक बार गो स्टेशन वाली गो बस पे ही जा रहा हूँ, मतलब जो थोड़ा सा 5 मिनट 1 मिनट का वॉक है वो देख पा रहे हो उधर, तो मैं दिख नहीं रहा हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ चलते, ठीक है। तो उस पर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बस आने वाली है कुछ 15 मिनट में, ठीक है, हो सकता है 10 मिनट ही रह गए हो। अंकल को जाओ जल्दी है, यहाँ पर पहली बार वो आ गया कृष्णनगर से। नहीं मतलब सच में भाई ठंड हो रही है क्या? भाई बता रहे हैं, नीचे बता रहे थे सब भाई ठंडा मौसम, भाई ये तो वो हो गया मसूरी जैसा माहौल हो गया, ठीक है। ये मुझे लग रहा है इसलिए हो गया क्योंकि ना बारिश पड़ी थी, मैंने तो मैं दिखा रहा था ना बारिश पड़ी है, तो भाई बारिश हुई है तो भाई थोड़ा सा ना ठंडा वाला माहौल हो गया। भाई कह रहे कि जो सिक्योरिटी में अपना भाई है वो जो है ना कह रहा कि थोड़ा सा ना हुडी वाला माहौल हो गया, टी शर्ट में नहीं जाया जाएगा, हम तो आ गए गर्म घूमना पंडित आके बाहर। ये इनकी गाड़ी है जिस सिक्योरिटी वाला बता रहा था ना तुम्हें भाई की, तो ये भी भाई सही है अपना, सब इन्वॉल्वमेंट अच्छी है घर में, सबसे कोई ऐसी धमाधमी नहीं हुई कि मतलब कोई जो है ऐसा दिमाग में चटक रहा हो, सब बढ़िया थे लड़के, ठीक है। तो सबसे जो है अच्छी बॉन्डिंग बन गई। बाकी इसकी गाड़ी है भाई की, ठीक है, कैमरी ले रखी है। मैंने से पूछा, मैंने कहा भाई कैसे ले रखी है गाड़ी, कैसे क्या कर रहे हो तुम ऐसा, सिक्योरिटी में शिफ्ट लगाता भाई और ना
काम नहीं हो पाता भाई, जेन्युइनली बहुत करना पड़ता है इसको। कह रहा भाई भाई ये हाथी पालने वाली बात है, एक तो कैमरे उठा लिया ठीक है, और ये वो है क्या? नहीं वो भी नहीं है, ये तो हाइब्रिड नॉर्मली कैमरी है ठीक है। तो कह रहा भाई हाथी पालने वाली गेम है, मतलब आप काम ही करते रहोगे जिंदगी भर, तो इससे अच्छा सेकेंड हैंड उठाओ पहले, जब तक प्रॉपर एक जॉब नहीं लगती ना, मतलब एक टिपिकल प्रॉपर जॉब। जैसे अभी तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम फुल टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरा ना अभी कॉलेज में ऑफ चल रहा है ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैं फुल टाइम ही जॉब पे जा रहा हूँ, तो बस ये रीज़न है, वरना मेरा ये फुल टाइम काम नहीं है, मैं तो भाई पढ़ाई और चीज़ की कर रहा हूँ ठीक है। तो भाई ये सीन है, तो इसलिए जो है उधर की पार्ट टाइम चल रही है। अच्छा इसमें दो साइलेंसर लग रखे हैं, मुझे नहीं पता था, एक डमी तो नहीं है? नहीं यार पूरे पूरे साइलेंसर है, पूछता हूँ नीचे जाके भाई। और जो दो और जो आ रखे हैं ना हिमाचल से आ रखे हैं दो भाई, और जो अभी उनका ना मतलब फर्स्ट ईयर ही है, आई मीन उनको तो भाई 3-4-10 दिन हुए मैक्सिमम, 10 दिन हुए हमारे थे। उन्होंने ना एक स्कूटर ख़रीदा है, स्कूटर ई स्कूटर लिया है, ऊबर डिलीवरी वगैरह करेंगे वो, क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो ले नहीं सकते अभी, अभी आए हैं ना, लाइसेंस है ना कुछ, और 12वीं के बाद आए हैं 12th के बाद सीधा। तो एक बार उनका स्कूटर निकालते हैं, देखते हैं कैसे चलता, मज़ा आएगा जेन्युइनली। और मौसम बहुत अच्छा होता, बढ़िया बढ़िया हो रहा, मेरे को तो ऐसा ठंड नहीं लग रही जिस हिसाब से वो कह रहा था भाई, जाके पूछते हैं पर क्या सिस्टम है ठीक है, कि ठंड तुम्हें कैसे लग रही भाई हमारा। ओए भाई ये देखो क्या बैठा, बिल्ली बैठी है भाई, बता भी नहीं रही ना, मियाऊ करा कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही इसकी। जल्दी से एक बार भाई से पूछते हैं, ऐसी तो कोई ठंड नहीं होगी यार, आओ यार पूछते हैं भाई से। यार भाई ऐसी तो कोई ठंड नहीं है यार, तुम्हारे भाई का गर्म खून है ना भाई, बनाया ब्लॉग, तुम्हारे भाई का गर्म खून है, ब्लॉग बना दे फिर, बना तो रहा हूँ ब्लॉग ही तो बना रहा हूँ, मजा आता यही तो गेम है। ई स्कूटर भाई ये देखना कहाँ पर आ गया भाई, मैं मतलब 407 401 के सामने भाई खड़ा हूँ ठीक है, और इतना मजा आ रहा है यहाँ पर जो है ना, पूरी इतनी देर से स्कूटी चलाता रहा जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर हो गई भाई, कितने किलोमीटर में जो है ना चला के आ चुका हूँ। और ये पता स्कूटी ना इनकी है, अपने दोनों दोस्तों की जो नए आए हैं इंडिया से, तो इन्होंने जो है ना स्कूटी खरीद ली थी यहाँ पर कि भाई ये चलाएंगे, क्योंकि यहाँ गाड़ी वाड़ी तो ले नहीं सकते अभी, तो इन्होंने स्कूटी ले रखी थी। इतनी इतने किलोमीटर चला के आना हूँ, अब थक गया भाई सब बिल्कुल, अब जो है घर पहुँचता हूँ, इनको बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई तुम सोच रहे होगे कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, भाई मेरा बहुत ही बढ़िया रहा भाई, मैं बताऊँ, सुनो मैं बताता हूँ, ये हंस रहे हैं पीछे से भाई, मैं बताता हूँ, मैंने सोचा था ठीक है, मैंने सोचा था कि भाई मैं इनका स्कूटर ले जाऊंगा, ये वाला जो पीछे मैं स्कूटर चला रहा था ना अभी, मैंने सोचा था कि मैं इनका स्कूटर ले जाऊंगा और मैं ना भाई करूंगा ऊबर डिलीवरी ठीक है, ऊबर ईट्स करूंगा मैं ठीक है, और मैं जो है ना खाना वाना डिलीवर करके देखूंगा कि देखते हैं $25-$50 साढ़े बनते हैं, हंस क्यों रहा है ठीक है, तो हंसे जा रहे हैं भाई ये ठीक है। तो भाई $25-$50 बनते हैं या नहीं बनते भाई, मैं कुछ 2 घंटे लगा के आया ठीक है, और कितने किलोमीटर चला गया ना मुझे ही नहीं पता, अनगिनत किलोमीटर ठीक है, और मैं खड़ा भाई, एक तो उसमें शो करनी है ठीक है, तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते मेरा कहाँ दर्द हो रहा था ठीक है तो भाई वो धक भाई हिले जा रहा, तो एक तो तुम्हारे इसमें स्कूटर में शो करनी है, मजाक से तो शॉकर पता क्या बनना पड़ रहा था, मेरे पैर ना, मैं पता कैसे तेरा भाई ना पैर ऐसे करके नीचे को भाई बाउंस कर रहा था, मैंने कहा भाई पैर थोड़ा मेरे पता कहाँ दर्द, मैं बता नहीं सकता, मैं ऐसी जगह दर्द मैं नहीं बता सकता ठीक है। अच्छा इस चक्कर में ये हुआ ठीक है, मेरा फोन गिर गया सड़क पे, फ्लाईओवर पे फोन गिर गया मेरा, क्योंकि क्योंकि आपको ले जाने नहीं आया होगा वो, अबे भाई कह रहा शुक्र है गाड़ी के नीचे नहीं आया साला, कह रहा यहाँ पर भाई मेरी जान बच गई, तू कह रहा गाड़ी के नीचे नहीं आया भाई, फोन तो इम्पोर्टेंट रहा, फोन गिर गया ठीक है, और ये धक 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 ठीक है, मैं बता नहीं सकता क्या होगा, वो तो चीज़ मैं बोलूंगा ही नहीं ठीक है, वो तो भाई आउट ऑफ कंटेंट हो जाएगा ठीक है वो चीज। और भाई ये दो चीज हो गई, इतनी ठंड हो रही थी मजाक सट के, ऑर्डर भी बताओ ना कितने का था भाई, 25-30 मिनट दूर गया हूँ मैं ठीक है, ऑर्डर साड़ा करा, अबे हंस लोगे बाद में हंस लेना एक मिनट, ऑर्डर करा $3 का अगर 2 घंटे में अपने उधर रहता ना तो मेरी टिपी टिप सिर्फ $3-$4 से ज्यादा की है टिप भाई, ये पता इस ऊबर ईट्स ना भाई अपने एरिया में स्कारबरो साइड करना बहुत ही स्टूपिडिटी है, मजाक से हटके अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो या ई स्कूटर ई रिक्शा चला रहे हो ई रिक्शा भी चला रहे हो ना, ई रिक्शा भी चल रहा है भाई, ई रिक्शा कुछ ना चल रहा ठीक है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ एग्जांपल, मतलब ये चला रहे हो ना अगर आप, तो भाई ये बहुत ही बेकार ऑप्शन है, अगर आपको करना है ना आपको ऊबर ईट्स करना है तो आपको टोरंटो GTA रीजन जाना पड़ेगा, और वो भी मतलब वो यंग डंडा स्ट्रीट पे, यंग डंडा समझ रहा
अबे तुम नए आए हो, तुम्हें नहीं पता यंग डंडा डाउनटाउन में हम जाए आए हैं। तो तू ऐसे क्यों बोल रहा है यंग डंडा? आपने बोला भाई। तो भाई है उसका नाम एक ऐसे भी तो है। ऐसे क्या? एक और है राघव ने बताई थी। चर्च स्ट्रीट। नहीं 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 ऐसे है। स्पडाइना। स्पडाइना क्या? स्पडाइना जागा। ठीक है, तुम्हारा रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, वहाँ जाना। ठीक है, वहाँ पर तुम्हारे को थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी टिप्स भी, क्योंकि भाई डाउनटाउन में टिप्स ज्यादा मिलती हैं और ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं और छोटे छोटे डिस्टेंस मिलते हैं, समझा? यही किलोमीटर, दो किलोमीटर एरिया है। यहाँ पर मत जाना भाई, मजाक सेट के, वरना तो तुम्हारा धक धक धक। अपने अपना 11वें फ्लोर वाला एक्सपीरियंस। क्या कह रहे हो? 11वें फ्लोर वाला एक्सपीरियंस भाई। मैं मजाक सेट के, मैं ना स्कूटर ले गया, सारा स्कूटर ले। अच्छा, ये लोग इनका स्कूटर है, ठीक है। अब मुझे डर लग रहा था कि भाई ये चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो मैं जो है ना, मेरे को डिलीवरी करनी थी कि ये स्कूटर की, मतलब जैसे एक मैंने रेस्टोरेंट से सामान उठाया तो उसका वो मैंने बैग में रखा, और वो जो बैग में रखा ना मैंने उसका सामान जो है मेरे को 11वें फ्लोर पर रखना था। तो भाई मैं बिल्डिंग में, ये पूरा का पूरा स्कूटर इतना हैवी, मजाक सेट के एक बंदे से ना उठता है स्कूटर, इसको मैं लेके अंदर गया हूँ लिफ्ट के सामने, और लिफ्ट के सामने भाई मैं 11वें फ्लोर पे गया हूँ। फिर उसमें अंदर एक बिल्डिंग के अंदर सीधा जाके, अच्छा जो लॉबी नहीं होती, लॉबी इतनी पतली कि घूम नहीं रहा भाई, इतना हैवी स्कूटर है यार। इतनी पतली थी लॉबी? पतली लॉबी थी, ठीक है। अब मैं मोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं मोड़ रहा हूँ, और मैं क्या मोड़ रहा है? अरे यही स्कूटर, मैं और क्या मोड़ूंगा बेवकूफ, ठीक है। तो ये रखा भाई इतनी मुश्किल से, मतलब मेरी ना, मेरा सिचुएशन हैंग हो गई आज। पिज्जा पिज्जा वाले के साथ अलग बहस हो गई, वो छोड़ चल, ठीक है। तो गाइस अगर व्लॉग पसंद आया तो जो करना है कर देना, ठीक है। मैं थक गया भाई आज, कल कमेंट शेयर नहीं, हाँ मांगते नहीं है। ओके जी, बाय बाय।